डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम सिग्रावट कला के ग्रामीण आज डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ग्राम में जलापूर्ति के विषय को लेकर आ रही बाधा को लेकर एक ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा है, जिसमें बताया गया कि ग्राम में विगत कुछ दिनों से गांव के ही एक निवासी जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, जो अपने साथ कुछ उपद्रवी व्यक्तियों को साथ लेकर गांव में पानी आपूर्ति हेतु लगाए गए वाल नहीं खोलने दे रहा है। गांव वालों द्वारा विरोध करने पर लोगों को झूठे मुकदमे लगाने की धमकी देने का काम कर है। इसी कारण इस भीषण गर्मी के समय में ग्रामवासी पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें इस समस्या व इस विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कराई जाए। सरकारी कर्मचारी है देखो, सब गांव को वाल खोल मिलो है, पानी आप देखो नहीं, पर एक घंटों से का पानी आवे तो सक पानी हो इतना हो, अब वाल फाटक जा दिया, वाला कमाई बंद कर दिया, सुना नहीं रोक रहा किया, चाब बंद कर दिया, वाली बग गया, वाल देखो नहीं, खुद खोल को नहीं, खोल मत देखो नहीं, खुद तो पानी आवे, टंकर गाल गाल बेचे ले लगाऊंगा, किस मर रही है, सुनाई कोई कर रही है को नहीं, बाकी और 10-20 आदमी समय रखे और जगह में बोला जगह और दबिया देवे तो मैं यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया दोस्ती का है। मारू नाम अनुराम है, गाँव सिंगरा और कल्ला से, गांव में पानी की समस्या है, गांव में लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, 5-6 वाल हैं, वो बारी बारी से एक एक घंटा वाल खोलने से पूरे गांव में पानी की सप्लाई हो रही है, कुछ उपद्रवी तत्व है गांव में ऐसे जो वाल को नहीं खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, उसमें मिट्टी पसा दे रहे हैं, गाँव में पानी की समस्या है, पुलिस अधीक्षक साहब को हम विज्ञापन देने के लिए यहाँ सब ग्रामवासी महिलाएँ पुरुष सभी इकट्ठे हुए हैं, दुआ करता हूँ अधीक्षक साहब से तत्काल इसकी सुनवाई करें और पानी की सप्लाई। आपका नाम? दिनेश सिंह।